भारत विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला देश है। यहाँ हर मौसम में कई त्यौहार आते हैं जो मिलने मिलाने का बेहतरीन अवसर देते हैं, जिनमें होली का त्यौहार सबसे खास है। होली जिंदगी को रंग और उमंग से भर देने का त्यौहार है। यह हर धर्म संप्रदाय व जाति के बंधन के परे जाकर भाईचारे का संदेश देती है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को रंगों से रंगते हैं। तो आज के नो दिस वीडियो में हम आपको होली से जुड़ी कुछ मान्यताओं और कुछ रोचक कहानियों के बारे में बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। दरअसल होली मनाने के पीछे कई प्रकार की मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार पुराणों में होली की कुछ कहानियों का जिक्र मिलता है। होली से जुड़ी सबसे फेमस कहानियों में से एक है प्रहलाद और होलिका की कहानी। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर था, जो भगवान विष्णु का कट्टर दुश्मन माना जाता था। लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त था। अपने बेटे को अपने विरुद्ध देख हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की योजना बनाई। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को अपनी बहन होलिका के हाथों आग में जलाना चाहा, लेकिन प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, मगर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जलकर राख हो गई। इसी तरह राधा कृष्ण से भी जुड़ी है होली की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के थे और उनकी सखा राधा श्वेत वर्ण की थी, जिससे कृष्ण को हमेशा उनसे जलन होती थी और वो इसकी शिकायत अपनी माता यशोदा से करते थे। एक दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को सुझाव दिया कि वो राधा के मुख पर वही रंग लगा दें जिसकी उन्हें इच्छा हो। बस फिर क्या था, कृष्ण ने होली के दिन राधा को अपने मनचाहे रंग में रंग दिया। इसके अलावा होली का शिव पार्वती से भी ताल्लुक है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, मगर भगवान शिव अपने तपस्या में लीन थे। ऐसे में कामदेव ने पार्वती की सहायता करने के लिए शिव की तपस्या तोड़ दी। भगवान शिव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। फिर जब शिव ने पार्वती को देखा तो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। वहीं अपने पति की मौत से दुखी कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की और प्रभु ने उनके पति को जीवित कर दिया। तब से रंगों का त्यौहार होली को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये थी होली के त्यौहार से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियाँ। TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम की तरफ से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।